अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलती रहती हैं। बात करना चाह रहा था यूके के लिए, पाकिस्तान से जाने के लिए आपको पता है क्वारंटीन मस्ट है और 10 डेज क्वारंटीन जो भी पाकिस्तान से जाएगा उसका करना मस्ट है। गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड असाइंड होटल्स के अंदर क्वारंटीन लिस्ट इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, gov.uk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मुझसे एक सवाल रेगुलर हो रहा होता है पाकिस्तान से जाने के लिए ऑप्शन, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं या रिटर्निंग रेजिडेंट है तो आपको वन वे टिकट चाहिए होता है। तो पाकिस्तान से जाने के लिए ऑप्शन आपके पास 4 एयरलाइंस का मौजूद है, कतर एयरवेज, टर्किश एयरलाइन, गल्फ एयर और एमिरेट्स। ठीक है, इसमें होता ही है गल्फ एयर वाया बहरेन होती है, कतर वाया दोहा, एमिरेट्स वाया दुबई। दुबई ट्रांजिट पैसेंजर्स को बिल्कुल लेकर जा रही है पाकिस्तान से, लेकिन उनका एक शर्त है कि ट्रांजिट आपका लेओवर जो दुबई एयरपोर्ट पे होना चाहिए वो 6 घंटे से ज्यादा ना हो, 6 आवर्स से ज्यादा आप उसके ऊपर स्टे नहीं कर सकते हो। ठीक है, कतर आपके लिए वीजा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, लेकिन स्टिल रेड रेटेड लिस्ट के अंदर है, आपको 10 डेज गवर्नमेंट होटल के अंदर क्वारंटीन करना होगा। तो आप कतर दोहा ट्रांजिट करते हुए इस तरह से जो लोग चाह रहे थे कि हम कहीं पर स्टे कर लें और उसके बाद यूके पहुंचे तो हमारे यूके की जो क्वारंटीन कॉस्ट है वो बच जाएगी, तो आपके पास कतर का ऑप्शन इस तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि वो कॉस्ट तकरीबन वहीं चली जाती है। एमिरेट्स ने पाकिस्तान को स्टिल विजिटर वीजा अलॉट नहीं कर रहा है, इशू नहीं कर रहे, तो आप इस तरह से दुबई भी ट्रैवल मतलब इस तरह ट्रांजिट नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रैवल बैन है। दूसरा ऑप्शन गल्फ एयर का है, बहरेन में आप कर सकते थे क्योंकि बहरेन रिसेंटली 4 अगस्त को अंपर लिस्ट के अंदर आ गया यूके के लिए, लेकिन बहरेन का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इस वक्त नहीं आ रहा है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास खत्म हो गया। चौथा ऑप्शन है टर्किश एयरलाइन का, और टर्की जाने के लिए अभी भी क्वारंटीन वैलिड है, वो सबको पता है 31 अगस्त तक की उन्होंने डेट दी हुई, लेकिन टर्की यूके के लिए अब तक उसके अंदर है, रेड लिस्ट के अंदर है। तो आपने इन चारों एयरलाइंस के ऊपर ट्रेवल करने के बाद एट लास्ट यूके में ही क्वारंटीन करना है। यूके की क्वारंटीन फीस रेगुलर थी £1750 पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, आज 12 अगस्त को ये अपडेट होकर ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है £2400 £2400 इसकी क्वारंटीन फीस ऑफिशियल है, जो इनके डेजिग्नेटेड होटल्स हैं उसके अंदर ही करना होता है। ठीक है, £2235 के करीब इनकी वो फीस है, पीसीआर टेस्ट और किट टेस्ट वगैरह चार्जेस सब मिलाकर £2400 आपको प्रीपेड करने होंगे यूके पहुंचने से पहले, वो कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद आप यूके जा सकते हो। अगर दो लोग मिलकर रुक जाते हैं तो वो डिवाइड इस तरह से कर रहे हैं कि 1400 एंड 1400 यानी £1400 पर बंदे के ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप सिंगली ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको £2400 पे करने ही करने होंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज इन्होंने रखी हुई है, ग्रीन लिस्ट, अंबर लिस्ट एंड रेड लिस्ट, वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। आप कौन से मुल्क से मुझे वीडियो सुन रहे हैं वो देख लीजिए, उसके मुताबिक आपने ट्रेवल करना है। पाकिस्तान से जाने के लिए लोग जो प्राइसिंग पूछ रहे होते हैं, एक ग्लिम्स आपको बता रहा हूँ छोटा सा, कि सबसे सस्ता ऑप्शन इस वक्त जो गल्फ एयर का चल रहा है वो अप्रोक्स आपको 51,000 से लेके 55,000 अगर सीट्स मिल जाती हैं तो वन वे टिकट मिल जाता है आपको यूके इंग्लैंड लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 से 55,000 के दरमियान आपको वन वे वो मिल जाता है। पीसीआर टेस्ट कराना सबको पता है रेगुलर है, गल्फ एयर वाया बहरीन होती है। इसके अलावा कतर, एमिरेट्स और टर्किश इनके प्राइसेस 80,000 प्लस 90,000 प्लस और 1 लाख प्लस वन वे आ रहा है लंदन हीथ्रो के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका क्वारंटीन वगैरह किस तरह बुक करते हैं, रेड लिस्ट कैसे देखते हैं, आपका लोकेटर फॉर्म किस तरह भरते हैं, इसके लिए मैं आपको gov.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाह रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन पर जाकर शेयर कर देता हूँ और वहां पे आपको समझा भी देता हूँ। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो वहां पे मैं आपको सब कुछ बुक करने का तरीका बता देता हूँ। थैंक यू जी जनाब, ये देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, गाइडेंस रेड अंबर एंड ग्रीन लिस्ट रूल्स फॉर एंटरिंग इंग्लैंड। ठीक है, इसमें आप अपना मुल्क चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ये बिल्कुल रेड लिस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, रेड लिस्ट के अंदर क्या रूल्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, रेड लिस्ट कंट्रीज एंड टेरिटरीज, ये आपको पूरी लिस्ट मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा एंटर होने के रूल्स हर मुल्क के मुताबिक अलग अलग लिखे हुए हैं, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा बुकिंग एंड स्टेइंग इन अ क्वारंटीन होटल इफ यू हैव बीन इन अ रेड लिस्ट कंट्री,
यानी आप पिछले 14 दिन के अंदर अगर वहां पर रुके हैं। अच्छा, ये चीज जरूर देखिएगा कि क्वारंटीन करना मस्ट है। अगर आप इस रूल को वायोलेट करते हो तो उसकी पेनल्टीज इन्होंने काफी हैवी रखी हुई है, 10,000 पाउंड्स, अप टू 10,000 पाउंड्स एंड इम्प्रिजन फॉर 10 ईयर्स बोथ। ये आप जरूर देख लीजिएगा, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड सबके लिए एक जैसे इनके रूल्स हैं। और मैनेज क्वारंटीन होटल आप कहाँ से किस तरह से बुक कर सकते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सीटीएम के थ्रू, सीटीएम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ मच यू विल नीड टू पे, ये भी क्लियर यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। एक एडल्ट एक रूम 10 डेज 11 नाइट्स 2,285 पाउंड, एडिशनल रेट 1 एडल्ट और चाइल्ड ओवर 11 एज, ये आप चेक कर सकते हो। एडिशनल रेट फॉर अ चाइल्ड एजेड 5 to 11 325 पाउंड्स, देर इज नो चार्ज फॉर चिल्ड्रन अंडर 5। ठीक है, ये चीज आप चेकआउट कर सकते हो। वेयर कैन यू अराइव, हीथ्रो, गैटविक, लंदन सिटी एयरपोर्ट जो स्टैनस्टेड इनका एयरपोर्ट है, तीनों लंदन की एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा बर्मिंगम, ब्रिस्टल, फनबोरो, बिगिन हिल एयरपोर्ट, ये वाले एयरपोर्ट्स को आप रेड लिस्ट से जाते वक्त एंटर हो सकते हो इजीली। ठीक है, इसके अलावा बुकिंग एंड स्टेइंग इन अ क्वारंटाइन होटल इफ यू हैव बीन इन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये इनका सीटीएम के थ्रू बुक करने का तरीका है। यहाँ पे कुछ कॉशंस वगैरह दे रहा है। यहां से आप अपना जो भी होटल सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इन एड्रेसेस के ऊपर, इन कॉन्टेक्ट नंबर्स के ऊपर रापता कर सकते हो। पीसीआर टेस्ट कराना यहाँ से जाते वक्त भी लाजमी है और वहां पर भी आपसे फीस पे चार्ज की जा रही है। इसको बुक करने के लिए आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होना चाहिए, 3D ट्रांजेक्शन जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, रेमिटेंस फीस और 1% स्टेट बैंक के जो चार्जेस होते हैं एड ऑन वो आपका होगा। ठीक है, यहां से आप इसको इजीली देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा था, लोकेटर फॉर्म, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, ये भी फिल करना लाजमी होता है स्टूडेंट वीजे पे, या आप जब जिस वीजे कैटेगरी पे भी आपको अलाउड है जाना अगर, तो आपको एंटर होने से पहले पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, हेल्थ डिक्लेरेशन, ये सब कुछ भी कंप्लीट करना होता है। तो आप यहां से इजीली जाके फिलअप कर सकते हो। थोड़ी सी गाइडेंस के लिए आपको ये कोशिश की थी कि आपको दिखा दूं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप ऑनवर्ड जाइए और जो जो चीज आपको इसमें ये पूछता चला जा रहा है आपसे ही रिलेटेड, वो आप इसको बताते जाएं और इसको इस तरह से बुक करके आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर दें, चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।